गुड मॉर्निंग बेटा, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग योर लर्निंग वर्क एज वेल। इन टूडेज वीडियो बेटा, देयर आर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कोडेटा, वर्टिब्रेटा, कोडेटा। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स: Pisces, amphibian, aves, reptilia, mammalia. In yesterday video I have discussed with you Pisces, fishes. Cold blooded होती हैं, two chambers होते हैं heart में, oviparous होती हैं, single circulatory system होता है, respiration by gills होता है, locomotion by fins है। Example डाले थे रोहू, shark, whale. These are the examples beta of different fishes. Now beta, we are going to discuss about the second type, that is amphibia. Amphibia which can live on land as well as in water. First, they live in land and water both. Their heart is three chambered. Unka jo heart hota hai wo three chambered hota hai, two auricle and one ventricle. जो ओरिकल है बेटा वो ऊपर वाले, सो बेटा जो थ्री चैम्बर में अपर चैम्बर होते हैं उनको हम ओरिकल, और जो लोअर चैम्बर होता है दैट इज़ वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दे आर ओवीपेरस एग लेइंग होते हैं, दे आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स, स्किन एंड लंग्स। उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो स्किन होता है, लंग्स होते हैं और गिल्स होते हैं बेटा। गिल्स फॉर वाटर रेस्पिरेशन, स्किन एंड लंग्स फॉर लैंड। अब हमारी बॉडी है बेटा, वी आर हैविंग लंग्स एंड एज वेल एज थ्रू स्किन आल्सो, क्योंकि बेटा जो लंग्स हैं वो अच्छे से फुलफिल नहीं कर सकते रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ वाई स्किन आल्सो प्लेज देयर इम्पोर्टेंट रोल। देयर स्किन इज मॉइस्ट होती है, स्लिमी चिकनी होती है, गीली होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस लेयर। आपने कभी फिश को देखा होगा बेटा कितनी स्मूथ होती है, बिल्कुल चिकनी होती है, हाथ लगाओगे आपके हाथ में भी नहीं आएगी वो, दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस लेयर। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। सिलोमेट होते हैं, सिलोमिक कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड हिटेरोट्रॉफिक, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल्स आर बूफो, टोड जो कॉमन फ्रॉग होता है, राना टिग्रीना दैट इज कॉमन फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलामेंडर लाइक कैमलियन इतना होते हैं, दे लिव्स इन द बोथ। देयर आर सम एग्जाम्पल बेटा, लुक, दीज आर द एग्जाम्पल, डेंड्रोबेट्स रेड कलर का जो फ्रॉग है, हाइला ट्रीज की जो टांगे हैं वो ज़्यादा लंबी होती हैं, टॉड जो बड़े वाला मेंढक होता है, राना टिग्रीना कॉमन एंड दैट इज़ द सेलामेंडर। नाउ बेटा जो नेक्स्ट है दैट इज़ रेप्टीलिया। अब रेप्टीलिया है हमारे पास, रेप्टीलिया जो है बेटा दैट इज़ वो हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में एज वेल एज किस में पानी और लैंड दोनों पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो इनके अंदर जो है मेनली आते हैं हमारे, दीज आर लाइक सम ऑफ द, सो बेटा रेप्टीलिया जो होते हैं दे आर क्रीपिंग एनिमल्स, वो क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं रेंगने वाले, जो रेंग कर चलते हैं, जिनके लिम्ब्स जो है पैर नहीं होते। देयर हर्ट इज थ्री चैम्बर्ड, इनका जो हर्ट है वो थ्री चैम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को छोड़कर जो रेप्टीलिया हैं क्लास सारे के सारे एनिमल्स उसके क्या होते हैं, क्रीपिंग, रेंग कर चलते हैं।
क्रोकोडाइल में जो हर्ट बेटा वो 4 चैम्बर होता है, और बाकी जो रेप्टील है उनके अंदर 3 चैम्बर होते हैं, 2 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। और क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, एक्सेप्शन है 2 ओरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। देयर रेस्पिरेशन इज़ बाय लंग्स, इनका अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, बाय द लंग्स, लंग्स के थ्रू। दे आर ओवीपैरस, ओवीपैरस होते हैं, एग ले करते हैं। दे आर पीसीलियोथर्मिक कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स, नॉट पीसीलियोथर्मिक, दे आर पिकीलियोथर्मिक आएगा यहाँ पर, दे आर पिकीलियोथर्मिक कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट, स्केल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस और स्किन, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। स्केल्स आपने देखा होगा कि जो सांप है वो अपनी पूरी स्किन उतार देता है, तो दैट आर कॉल्ड स्केल्स। इनकी पूरी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल क्रोकोडाइल, स्नेक, लीजर्ड, टॉर्टोइस, दीज आर द एग्जांपल। देखो बेटा, हाउस वॉल लीजर्ड जो कॉमन हमारे घरों में मिलती है, किंग कोबरा लीजर्ड जो है बेटा वो भी इसी के अंदर आती है, क्योंकि इसके लिम्स जरूर हैं लेकिन ये फिर भी क्या करती है, क्रीप करती है, रेंग कर चलती है। फ्लाइंग लीजर्ड, पेट के जो बल चलते हैं वो सारे ही किसमें आते हैं, इन द रेप्टीलिया, टॉर्टोइज हो गया, कैमलियन हो गया, दीज कम्स अंडर रेप्टीलिया। नेक्स्ट है बेटा एव्स, एव्स जो है बेटा दीज आर बर्ड्स, जितने भी टाइप के बर्ड्स हैं वो सारे आते हैं एव्स की कैटेगरी में। जो एव्स क्लास है बेटा, दे आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स, वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मींस दे आर अडेप्टिड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, विंटर में विंटर के अकॉर्डिंग, समर में समर के अकॉर्डिंग। तो इन, क्योंकि इनकी जो बॉडी है, बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है, उन्हें हाइबरनेशन की नीड नहीं होती। हर्ट इज ऑफ 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, अपर टू ओरिकल, लोअर टू वेंट्रिकल्स। बैक बीक प्रेजेंट होती है ऑन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द माउथ, माउथ के बिल्कुल स्टार्टिंग जो पोर्शन है उसमें इनकी बीक होती है, जिससे ये अपना फूड और वाटर लेते हैं। बोन जो होती है इनकी होलो होती हैं बेटा, होलो होने की वजह से लाइट वेट होती हैं, उनमें एयर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेटिक बोन। जो होलो बोन होती हैं जिसके अंदर कोई भी जो है एक्स्ट्रा मसल्स यू कैन से प्रेजेंट नहीं होती, एयर प्रेजेंट होती है, लाइट वेट होने की वजह से दे हेल्प इन द फ्लाइंग, और दैट बोन इज कॉल्ड न्यूमेटिक बोन। फोर लिम्ब आर कन्वर्टेड इनटू विंग्स, जो फोर लिम्स हैं देखो बेटा, सबके पास जो लिम्स होते हैं वो मूवमेंट के लिए होते हैं। लिम्स मींस हाथ और पैर, साइंटिफिक लैंग्वेज में हाथ और पैर को दोनों को लिम्स बोला जाता है। जो हाथ होते हैं अगले वाले उनको बोलते हैं फोर लिम, सामने वाले पैर, और जो हिंड लिम होते हैं पीछे के पैर, दैट इज़ फॉर मूवमेंट। तो बेटा इनके जो सामने के पैर होते हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू विंग्स, पंख में बदल जाते हैं जो फ्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। फैदर प्रेजेंट होते हैं ऑन द विंग्स, फैदर होती है कवरिंग, दैट इज़ फॉर प्रोटेक्शन, इंसुलेशन कवरिंग, जैसे ही विंटर सीजन आएगा ठंड को रोकने के लिए जो फैदर होते हैं वो अपने अंदर एयर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, रोक लेते हैं। एंड यू नो वेरी वेल एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से वो हवा उसके आसपास की गर्म हो जाती है, एंड इट प्रोवाइड वार्म्थ, वार्म प्रोवाइड करती है। सो फैदर्स आर फॉर इंसुलेशन ऑन द विंग्स। ओनली ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन आर दोज एव्स विच कैन नॉट फ्लाई। जो ऑस्ट्रिच है, कीवी है एंड पेंगुइन है, इनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है बेटा, इनके अंदर न्यूमेटिक बोन प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू फ्लाई। बट अदर जो फीचर्स होते हैं इनके वो सारे के सारे रिलेटेड होते हैं विद द बर्ड्स। सो
नेक्स्ट बेटा जो है इनके एग्जांपल्स, दीज आर द बर्ड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लास एव्स. ऑस्ट्रिच, मेल टफ्टेड डक, ठीक है, इट्स साइंटिफिक नेम इज आयथिया फुलीगुला. क्रो, वाइट स्टॉर्क, सिकोनिया, पिजन. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ एव्स. द लास्ट वन इज बेटा मेमेलिया. लास्ट जो है दैट इज मेमेलिया. मेमेलिया क्लास इज फॉर अस. वी ह्यूमंस इन साइंटिफिक लैंग्वेज आर मैमल्स. हम मैमल्स हैं और मेमेलिया को मैमल्स के अंदर इसलिए डाला है जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो अपने बेबी को मिल्क फीड करते हैं, दूध पिलाते हैं. वो सारे एनिमल्स आते हैं अंडर द क्लास मैमेलिया. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन इट्स डिफरेंशिएशन. देयर मेमोरी ग्लैंड्स आर वेल डेवलप्ड. जो मेमोरी ग्लैंड्स है जो मिल्क सीक्रीट करती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं. हेयर प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी पर. दे आर विविपेरस, चाइल्ड बियरिंग होते हैं, चाइल्ड को बर्थ देते हैं. और जो एग ले करते हैं बेटा वो ओविपेरस होते हैं. दे हैव फोर चैम्बर्ड हर्ट होते हैं. फोर चैम्बर्ड में पहले लेफ्ट और राइट, फिर लेफ्ट के भी दो पार्ट, राइट के भी दो पार्ट. तो जो अपर टू पार्ट है ओरिकल, जो लोअर टू पार्ट है वो वेंट्रिकल्स. और जो ब्लड है बेटा इनके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, वन टाइम ऑक्सीजनेटेड, सेकेंड टाइम डी ऑक्सीजनेटेड. देयर रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स. लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. दे आर वॉर्म ब्लडेड होते हैं, होमियोथर्मिक. और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं बेटा दे आर पिकिलियोथर्मिक. वॉर्म ब्लडेड का मेन क्या है फंक्शन, क्या इसके एडवांटेजेस हैं? दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, वो मेंटेन रहता है. देयर नर्वस सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड. नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं इनके अंदर. सोचने की, समझने की, रीजनिंग, मेमोरी, ये सारी पावर इनकी शार्प होती हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड होता है. ऑर्गन जो है वेल डेवलप्ड होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल द सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड इन द बॉडी. इन देयर माउथ सेवरल टाइप ऑफ टूथ्स आर प्रेजेंट. टूथ प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर. आपको पता है टू टाइप के टीथ आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी जो होते हैं उनको मिल्क टीथ बोलते हैं, जो 6 मंथ की एज में स्टार्ट हो जाते हैं बनने. और फिर 2, 4, 5 की एज में वो क्या हो जाते हैं, सारे टूट जाते हैं. फिर आते हैं परमानेंट टीथ, जो बाद में कभी भी नहीं टूटते हैं. सो टूथ प्रेजेंट होते हैं. टाइप्स होते हैं इंसीजर, काटने वाले, कैनाइन उसको तोड़ने वाले, मोलर, प्री मोलर क्रश करने वाले. सो अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं. दे आर यूनिसेक्सुअल होते हैं. मेल और फीमेल जो हैं वो सेपरेट होते हैं. सो दीज आर द मेनली फीचर्स ऑफ मेमेलिया. एग्जांपल्स आर देयर वेल. वेल जो है बेटा वैसे तो पाइसीज है, लेकिन इसको मैमल्स के अंदर रखते हैं क्योंकि ये अपने बेबीज को मिल्क फीड करती है. कैट, ह्यूमन, रैट, बैट, दीज ऑल आर कम्स अंडर द मेमेलिया. सो अप टू हेयर बेटा इन योर चैप्टर्स द डिस्ट्रीब्यूट, जो आपका सिलेबस है वो आएगा अप टू टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट इन योर एसे वन टर्म्स, ठीक है. सो योर चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड नाउ. आफ्टर दीज टॉपिक कम्प्लीशन बेटा यू हैव टू प्रिपेयर यूअर नोटबुक एंड सेंड इट टू मी सो दैट बेटा आई कैन चेक इट आउट वेदर यू हैव कम्प्लीटेड और नॉट कम्प्लीटेड. आफ्टर दिस क्लास, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर रिविजन. पहले हम गो थ्रू जाएंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बेटा इसकी अभी तक एक बार भी रिविजन नहीं हुई है. वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल, बुक एक्सरसाइज एंड वन मार्क्स, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड.
ठीक है, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन।